In a shocker, Madhya Pradesh Minister Narendra Shivaji Patil's son allegedly assaulted a bike rider and two others during an altercation. It is alleged that the son, Abhigyan Patel, and his friends assaulted a journalist, a restaurateur, couple and their employee during an altercation sparked by a road accident. However, tensions continued at the police station. Minister Narendra Patel arrived at the Shahpura police station with his supporters, alleging that the police had assaulted his son and his friends. But in a turn of developments, four police officials were instead suspended following the minister's allegations. Meanwhile, Madhya Pradesh Congress President, beg your pardon, Jeetu Patwari, questioned legal inaction and asked as to why the cops were instead suspended. Further investigation into the matter is underway. हम होटल में काम कर रहे थे तो एक भैया आए तो उनको बचाने के चक्कर में तो हमारे जो ओनर है साहब और मैडम है तो मारापीटी कर रहे थे तो चले गए तो उनको बचाने के चक्कर में और उनके साथ भी मारापीटी हुई और फुल दारू पिए हुए थे चार पांच लड़के थे और हम भी चले गए तो हमको भी मारा और नाक में चोट भी आई है मेरी और फिर उतने में फिर मार मुर के फिर चले गए गमला उठा के मार दिया हमारे ओनर को सर फट गई कान फट गई तो अब मैडम को भी मारा उसको चश्मा पर तोड़ दिया आंख में कांच तो चश्मा के कांच घुस गई। आवश्यकता की पराकाष्ठा है। एक पत्रकार है विवेक उसके साथ मारपीट हुई उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। एक महिला के साथ अभद्रता हुई उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। छह टाके आए 307 सर में बनती थी उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी और न उसको मेडिकल रिपोर्ट बताई जा रही है कि वो प्राइवेट कंप्लेंट कर ले। एसएसपी से मैंने पूछा कि हमने अखबार से सुना है चार पुलिस वाले सस्पेंड हो गए उनको पता ही नहीं सस्पेंड हो गए पर अखबार की हेडिंग बनी हुई है। पुलिस को का मनोबल गिराना और अपराध को सहयोग करना इस सरकार की नीति बन गई है। मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री भी हैं कृपया करके आपके मंत्री के परिवार के लोग आतंक मचाते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं निशाए दिखते हैं। कार्रवाई ऐसी करो कि कानून पर भरोसा हो प्रदेश की। मैं आज मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और ऐसी घटना फिर से नहीं दोहराई जाए और न्याय हो इसका आग्रह करें। सस्पेंड जो करे गए हैं गलत है। अगर सस्पेंड करेंगे तो पुलिस का मनोबल गिरेगा अगर करेंगे तो हम यहाँ पुलिस के पक्ष में धरना देंगे।